हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आजकल सबसे न्यूज़ में सब जगह एक ही टॉपिक है और सब लोग इससे परेशान हैं, जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन है का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये इतना प्रॉब्लम हो गई है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं या घर पे भी हैं तो सभी लोग इस चीज़ से परेशान हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करें? सरकार तो कदम उठा ही रही है, लेकिन हम उससे कुछ फर्क इतना हमें नहीं रिलीफ हो रहा है। तो हमें कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं और उससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हम सुबह शाम गुड़ खा सकते हैं, अगर जिन लोगों को अलाव है। कुछ लोग गर्म चीजें नहीं खाते हैं, गुड़ पसंद नहीं होता है। अगर आप चाहें तो एक विदाउट केमिकल, एक भूरा कलर का, ब्राउन कलर का गुड़ आता है, जैगरी, तो वो आप ले सकते हैं सुबह शाम। और आप जो लोग गर्म दूध में हल्दी डालकर पी सकते हैं तो ये भी अच्छी रेमेडी है। और सैलेड, ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाइए। और आप पानी में पुदीना डाल के भी पी सकते हैं, पुदीना अच्छा होता है इसके लिए, पॉल्यूशन से बचने के लिए। और तुलसी पत्ता सभी के घर में होता है तो तुलसी पत्ता भी ले सकते हैं। और तुलसी पत्ता को काफ़ी तरीके से खा सकते हैं, या तो इसको रॉ ऐसे कच्चा ही खा लीजिए। यू कैन ईट रॉ रॉ पुदीना लीव्स, और यू कैन और आप इसको गर्म पानी में डाल के उबाल कर भी पी सकते हैं, और इसको चाय में भी डाल के, या फिर कोई भी जिन चीज़ों में आप तुलसी डालते हैं उसमें डालकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी है, और घर पे लगाने से तुलसी को आपका जो वातावरण है, जो एयर है, वो भी क्लीन होती है। तो यह सबसे अच्छा प्योरीफायर है, और घर में प्योरीफायर भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये काफ़ी आपके पास अवेलेबल है, और इसमें ज़्यादा आपका कोई एक्सपेंस भी नहीं आएगा। शहद खा सकते हैं आप, शहद यूज़ कर सकते हैं, इससे पॉल्यूशन से आपको रिलीफ मिलेगा। ग्रीन टी, आप दिन में 3 बार ग्रीन टी ले सकते हैं। और बहुत सारा पानी पीजिए, जिससे कि आप ज़्यादा टॉयलेट जाएंगे तो उससे आपको पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक की आपकी हैबिट है और अब आप नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बाहर इतना पोल्यूशन लेवल हाई हो गया है, तो आप अच्छी क्वालिटी का एक मास्क पहन के, और आप अपने नोज़ में अगर थोड़ा सा आप 1 to 2 ड्रॉप्स मस्टर्ड ऑयल, सरसों का जो तेल होता है, अगर वो अपने नाक में थोड़ा डाल देते हैं तो अगर जाएंगे तो इतना ज़्यादा, और आंखों पे भी चश्मा पहनना पड़ेगा आपको, और अपने आपको कवर रखिए, तो आप जा सकते हैं वॉक पे या बाहर निकलते हैं तो इससे सही रहेगा। आप मॉर्निंग में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑफिस तो सबको जाना ही है, तो इसे ठीक रहेगा। और अदरक का रस, अदरक का रस भी बहुत इफेक्टिव होता है इसके लिए। अगर आप सर दर्द हो रहा है तो अदरक का रस सर पे भी मल सकते हैं, और इसको आप अपने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छी रेमेडी है, होम रेमेडी, घरेलू तरीका। एंड आप हॉट वाटर, गर्म पानी भी पी सकते हैं, जो लोग पी सकते हैं वार्म वाटर। और घर में इंडोर प्लांट्स बहुत सारे आप लगा सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने अभी एक ही प्लांट का कहा है। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो आप घर पे लगा सकते हैं, तो वो प्लांट्स आप ले आइए, क्योंकि ये अभी अगर आप एयर प्योरीफायर भी लाते हैं तो पॉल्यूशन लेवल जाने के बाद भी उसका इतना यूज़ नहीं है, और काफ़ी काफ़ी एक्सपेंस आ जाएगा। अभी दिवाली है, वैसे ही आप घरों में इतनी सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो इंडोर प्लांट्स यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो जो धूल मिट्टी उड़ती है ना जो बाहर, वो भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप घर के बाहर वाटर स्प्रिंकल कर सकते हैं सुबह शाम, उस पर पानी थोड़ा भर के, बाहर अगर गीला रहेगा तो पॉल्यूशन लेवल इतना नहीं, पॉल्यूशन नहीं होगा इतना। और मास्क लगाइए, अच्छी क्वालिटी का गुड मास्क होना चाहिए। और घर के बाहर पानी, आप स्प्रिंकल वाटर आउटसाइड योर हाउस। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि आप जो सब्जियां खाते हैं, जो आप खाने की जो सब्जियां हैं, वो अगर आप वॉश करके यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। सब्जियों को अच्छे से धो लें, और मैं यही कहूँगी कि घर का खाना ही खाएं, बाहर का खाना अवॉइड ही करें तो ठीक रहेगा। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप वर्किंग नहीं हैं, अगर बूढ़े हैं, बच्चे हैं, और ये 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो वो अवॉइड ही करें बाहर जाना, कम से कम ही जाएं। अगर जा रहे हैं तो फिर प्रिकॉशंस हैं। और अभी जो पॉल्यूशन लेवल है, इसमें अस्थमा, टीवी और काफ़ी सारी
हार्ट प्रॉब्लम, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए इस पॉल्यूशन को अवॉइड करेंगे वो अच्छा रहेगा आपके लिए। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ लाइक कीजिए और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिसकी सबको ये सारी चीज़ें पता चल सके और वो भी यूज़ कर सकें, क्योंकि सभी परेशान हैं इस पॉल्यूशन से। और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी और भी यूज़फुल वीडियोस हैं जो आपको मिलेंगी, उसमें लेटेस्ट रिसर्च हैं, एंटरटेनमेंट की कुकिंग वीडियोस हैं और फ़नी वीडियोस भी हैं, तो आप देख सकते हैं वो भी। और इससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने से आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। वैसे क्या होगा कि आप अभी यही एक वीडियो देख पाएंगे तो बाकी चीज़ें भी आप देख पाएंगे, और ये बिल्कुल फ्री है। आप सब्सक्राइब के साइड में एक बटन होगा, उसको प्रेस करके दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट कीजिए अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या फिर इस टॉपिक पे और कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और एक और चीज़ लास्ट में रह गई कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सड़क के किनारे जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है वहाँ ना जाएं, और अगर आपको जाना है ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे जाना है तो आप या तो मेट्रो यूज़ कीजिए या फिर कार में, क्लोज जो व्हीकल में जैसे कि कार है उसमें जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, स्वस्थ।